नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश देने के बाद फौरन अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जा, अवैध निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई होना प्रारंभ हो गई है। इसी कड़ी में नेहरू नगर जोन एक क्षेत्र अंतर्गत 33 स्थानों से कब्जे हटाए गए और यातायात को सुगम बनाया गया। इधर 12 लोगों से 10,100 रुपए का दांडिक शुल्क चालान भी काटा गया। निगम भिलाई ने नेहरू नगर चौक से घड़ी चौक सुपेला तथा सुपेला चौक से रेलवे फाटक तक लगे हुए ठेलों को हटाने की कार्रवाई की और नेहरू नगर अंडरब्रिज के पास से लगे हुए ठेलों को भी जेसीबी और डंफर से ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में सहायक राजस्व अधिकारी परमेश्वर चंद्राकर एवं राजेश गुप्ता सहित टीम मौजूद रही। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी कार्रवाई की मॉनिटरिंग करते नजर आए और जायजा लेते रहे। वहीं पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में निगम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रमुख चौक चौराहों के समीप जगह जगह अवैध ठेला एवं दुकान होने के कारण लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं दुर्घटनाओं की संभावना भी अधिक बढ़ जाती है। शहर की सुंदरता पर भी दाग लगता है। सड़क पर ही अवैध ठेले लगाने से राहगीरों को आने जाने में परेशानी होती है। वहीं खासकर मोड़ वाले जगह पर सामने से आने वाले वाहन तथा राहगीर भी दिखाई नहीं देते। इन सब कारणों से अवैध ठेले और दुकानों को हटाने की कार्रवाई निगम प्रशासन द्वारा की जा रही है। देखिए, सुपेला चौक से लेके घड़ी चौक तक का जो एरिया है और घड़ी चौक से लेके जो अंडर ब्रिज के रेलवे क्रॉसिंग जाने का रास्ता है वहाँ तक का जो एरिया है, इसके अलावा नेहरू नगर चौक है, यहाँ पर के जो प्रमुख प्रमुख स्थल है जहाँ पे गुमटी और ठेला बिल्कुल सड़क के किनारे जो यातायात को बाधित करते हुए लगाया गया था, ऐसे को चिन्हांकित करते हुए ऐसे 33 अवैध दुकान और जो ठेले हैं उनको हटाने की कार्रवाई की गई है। बारंबार समझाइश देने के बाद भी जो नहीं कर रहे थे, जो हटा नहीं रहे थे, उनको ठेले को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। साथ ही जो दांडिक शुल्क है 10,100 रुपये, वो 12 लोगों से जुर्माना वसूल किया गया है। अभी आप देखेंगे कि शहर में जो जो हनुमान मंदिर के समीप का जो ठेला गुमटी लगता था फुटपाथ के पास में, वो रास्ता क्लियर हो गया है, यातायात सुगम हो रहा है। एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट था कि दुर्घटनाएं भी बढ़ रही, जो टर्निंग पॉइंट होते हैं वहाँ पे भी जो अचानक से ठेले लगाने के कारण जो सामने वाला व्यक्ति जो आता है वो भी दिखाई नहीं देता है। ये सब कॉन्सेप्ट के तहत भी जो है पुलिस प्रशासन के साथ में मिलके माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो राजस्व विभाग टीम है वो अवैध अतिक्रमण और अवैध ठेलों को हटाने की कार्रवाई कर रही है। आकाश गंगा मार्केट के ठीक मंदिर के समीप की दुकानों को भी हटाया गया। हटाने के बाद यहाँ का मार्ग सुगम हो गया। सड़क से सटे हुए ठेलों को भी हटाने की कार्रवाई की गई। निगम आयुक्त ने पूरे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने हेतु इस कार्रवाई को लगातार जारी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।